है गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि दोस्तों चाहते हैं, अगर आपको कोई भी चैनल्स बनाना होता है, दोस्तों चैनल क्रिएट करना होता है, तो दोस्तों आपको उसमें ईमेल आईडी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बट दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों कि चैनल आसान तरीके से कैसे बनाए जाते हैं, उससे दोस्तों आप आसानी से कैसे क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों हमारे चैनल बनाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी बताने वाला हूँ, तो दोस्तों आप अच्छा खासे दोस्तों चैनल आसानी से दोस्तों बना लोगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में मेरे फ्रेंड्स का दोस्तों पूरा यूज़ करने वाला हूँ, उसका नेम और उसका ही फ़ोटो में यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों आसानी से आप बनाना भी सीख जाऊंगे। तो दोस्तों चलते मोबाइल के होम स्क्रीन को YouTube ओपन करना होगा। जब YouTube एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने उसका इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपल दोस्तों करना क्या है, ऊपर सर्च बार के बगल में गैलरी का एक आइकन है, उस पर आपको टैप करना है। जैसे दोस्तों टैप करेंगे तो उसका इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे मेरा फोटो देख रहे हैं, उसके बगल में नीचे लिखा हुआ है टेक्नो स्मार्ट, उस पर आपको टैप करना है। जैसे दोस्तों टैप करेंगे अपने फोटो पे या टेक्नो स्मार्ट पे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार जो है आइकन एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जाना है योर चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे योर चैनल पे आप टैप करेंगे तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पे नाम चूज करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो देना होगा। तो सबसे पहले आप ऐसा कोई नाम चूज कीजिए जो सर्चेबल हो। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल चूज कर लेता हूँ। कुछ भी अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आप टेक्नोलॉजी चूज कर लीजिए, या फिर आप फनी कोई वीडियो बनाते हैं तो अपने हिसाब से आप कोई ऐसा वर्ड चूज कीजिए, नाम चूज कीजिए जो YouTube एल्गोरिथम में मिल जाए। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल और कमल जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रिएट चैनल पे टैप कर देना है। जैसे दोस्तों क्रिएट चैनल पे टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे चैनल जो है वो क्रिएट हो गया है, आप यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं। उसके बाद से दोस्तों आपको सिंपल बैक जाना है। बैक जाने के बाद से फिर से अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद से सर्च बार के बगल में जो गैलरी है उस पर आपको टैप करना है। जैसे दोस्तों टैप करेंगे उसके बाद से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेक्निकल कमल, जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था उसका नाम आ गया। और यहाँ पे आपको जाना है योर चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे योर चैनल पे आप टैप करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस और आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सेटिंग वाले आइकन पे जैसे टैप करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिंपल अगर नाम आपने चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर ठीक है दोस्तों, उसके बाद से ऐड ए डिस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, आपका चैनल जिस कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, फनी है, टेक्नोलॉजी से है, गैजेट से है, या किसी भी कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे उसी हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिखना है। जी हाँ दोस्तों, ऐड ए डिस्क्रिप्शन पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद से 1000 वर्ड में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप कोई भी बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं और उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो उनके डिस्क्रिप्शन के जैसा ही अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। उसके बाद से प्राइवेसी जो है वो भी आप यहाँ पे सोच लीजिए, समझ लीजिए। कीप ऑल माई लाइक वीडियोज प्राइवेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लाइक वीडियो को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्राइवेट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं तो वो यहाँ पे प्राइवेट होगा, दूसरे किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद से कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट जो है, इस पर आप प्राइवेट कर दीजिए। मैं यहाँ पे प्राइवेट अपना रखता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे कीप ऑल माई सेव प्लेलिस्ट प्राइवेट जो है, वो मैं यहाँ पे ओपन ही रखता हूँ, प्राइवेट नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आपको सिंपल बैक जाना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेक्निकल कमल के बगल में एक वीडियो का आइकन है, उस आइकन पे आपको टैप करना है। जैसे दोस्तों टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा, गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं गो लाइव लेना तो गो लाइव पे जा सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करना चाहते और आपने कोई वीडियो बनाया उसे आप YouTube पे अपलोड करना चाहते हैं, तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पे टैप करना है। जी हाँ दोस्तों, अपने वीडियो पे चूज करना है, सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे टैप करने के बाद से आपको यहाँ पे टाइटल लिख देना है। तो टाइटल आप कुछ अट्रैक्टिव लिख दीजिए ताकि लोग जो है आपके टाइटल को पढ़े और आपके वीडियो पे क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे सिंपल टाइटल पे कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ मस्त वीडियो। ठीक है दोस्तों, आप कुछ और टाइटल लिखिएगा, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए मस्त वीडियो लिखा हूँ। डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप यहाँ पे लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे मस्त वीडियो लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर फनी वीडियो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक करके और ऊपर जो है लोकेशन वगैरह भी आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे
देखिए इफेक्ट है, इफेक्ट में आप जैसा इफेक्ट देना चाहते हैं वो इफेक्ट आप देख लीजिए। नॉर्मल पे अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ अगर आप यहाँ पे म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर में देखिए ऐड डिटेल्स के नीचे म्यूज़िक का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ऐड म्यूज़िक का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से म्यूज़िक जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से इसे आपको अपलोड करना है तो अपलोड के लिए ऐड डिटेल्स के आगे जो आइकन है एरो है उस पर आपको टैप कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे टैप करेंगे दोस्तों आपने देखा कि मेरा वीडियो जो है वो कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद से आपको यहाँ पे शेयर कर देना है अगर आप चाहते हैं तो शेयर के लिए आपको यहाँ पे अपने वीडियो के सामने तीन डॉट पे टैप करना होगा। तीन डॉट पे टैप करने के बाद से यहाँ पे शेयर का आइकन है, शेयर वाले आइकन पे टैप करके आप व्हाट्सएप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे भी शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही एक प्रोसेस है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेस है अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल क्रिएट करके और वीडियो अपलोड करने का। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, उम्मीद करते हैं काफ़ी पसंद है वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट करना ना भूलिए और नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो